एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से आ रही है। डूडा कॉलोनी के अधिकारियों द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर धन उगाही का खेल चरम पर है। भोली भाली जनता को बना रहे निशाना और तीन ब्लॉक में बेचे जा रहे मकान। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार डूडा के अधिकारियों की घोर लापरवाही उजागर होती नजर आ रही है। ताजा मामला क्या है, देखिए इसके लिए हमारी पूरी रिपोर्ट। ताजा मामला एक बार फिर देखने को मिला, जहां पर डोडा के अधिकारियों द्वारा फर्जी तरीके से कनेक्शन काटा जाता है और फर्जी नोटिस बनाकर चस्पा किए जाते हैं। मगर अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं कि अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं आता है और ना ही किसी डाक के द्वारा नोटिस को भेजा जाता है और ऐसे ही धन उगाही का खेल चरम पर है। आखिरकार अधिकारियों का बोलबाला किस कदर से है, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार रोकने में लगे हैं, वहीं डूडा के अधिकारियों की घोर लापरवाही उजागर होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जब हमारे सहयोगी संवाददाता प्रशांत अवस्थी ने स्थानीय निवासियों से बात की तो स्थानीय लोगों ने क्या बताया, जरा सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे सहयोगी संवाददाता प्रशांत अवस्थी के साथ। थाना क्षेत्र अंतर्गत है डूडा कॉलोनी में, यहाँ पर डूडा कॉलोनी के अधिकारियों की किस तरीके से घोर लापरवाही उजागर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण जन हैं जिन जो परेशान हैं डूडा के अधिकारियों से, इनसे जानते हैं पूरा मामला। क्या नाम है आपका, क्या मामला, क्या घटना घटी है बीते दिनों जी? हमारे मकान के ऊपर जो मकान है उसमें आए थे, ताला लगा रहे थे, जबकि वो काफी सालों से रह रहे, जब से अलर्ट हुआ तब से वो खुद रह रहे हैं और उनके मकान के नीचे हमारा मकान है, हम भी तस्वीर हिसाब से रह रहे हैं। किसके द्वारा यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है? अब ये तो वो आते हैं तो बताते हैं कि हम डूडा अधिकारी हैं, डूडा से ऑफिस से आए हैं अधिकारी हैं और ये मकान पे ताला लगना है, ये फर्जी है। फर्जी है जिससे पहले अलॉटमेंट हुआ था, किसके द्वारा अलॉटमेंट किया गया था, किसके नाम हुआ था, जब तक डूडा के अधिकारी आते हैं तो क्या बताते हैं जी? वो कुछ नहीं बताते हैं, बस सिर्फ उतना तुरंत जो है कहते हैं कि डूडा से आए हैं और ये फर्जी है। हमें पकड़ मिली है कि कागज दिखाए थे मकान मालिक खुद निकाल के कि हमारे पास कागज है, हम इसके मालिक हैं, तो बोले फर्जी है सब और आके आप पूरा करो। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना सबको आवास मिले, मगर गरीब जनता को डूडा के अधिकारियों द्वारा इस तरीके से पथरिया लगाया जा रहा। और भी कुछ लोग हैं एकदम जानते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुनील अवस्थी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ। यहाँ पर डूडा में आवास में आपको मिला है, उसके द्वारा अभी तक डूडा के अधिकारियों द्वारा आपको आवास मिला है, उसके बाद अधिकारियों किस तरीके से मामला किया जा रहा है? अभी परसों हमारे पास अधिकारी उनका कहना था कि ये ताला लगे हुए हमारे पास कागज सब अवेलेबल है और ओरिजिनल है, आप निकाल सकते हैं। मैंने उनको रसीद कागज दिखाए, जो पैसा जमा किया गया उसकी रसीदें दिखाई, उसके बाद में मुझे कहने लगे कि एक अधिकारी उसने बोला इनके कागज सही है, दूसरे में जो पीओ थे उनके पूजा के वो कहने लगे सिन्हा जी कि ये कागज फर्जी भी तो हो सकते हैं। आप अधिकारी कौन है, किस पद पर कार्यरत है? उसके बाद बताया कि कागज दिखाइए, कागज दिखाए हम लोगों ने जब ओरिजिनल, तो उसके बाद कह रहे हैं ये कहने लगा कि कागज आपके सही हैं, दूसरा कह रहा है परियोजना अधिकारी, उप परियोजना अधिकारी कह रहे हैं कि सही है तो गलत भी तो हो सकते हैं, आप आके ऑफिस में। इस आने का मतलब क्या है? रिश्वत और क्या है? एक तरफ मौजूदा सरकार का सबसे बड़ा नारा भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, मगर कार्रवाई के नाम पर डूडा के अधिकारियों के ऊपर मनोबल बढ़ा हुआ है, नहीं तो अधिकारियों के ऊपर माथापत्ती लगाई हुई है। घोर लापरवाही का मामला डूडा कॉलोनी का है, चिन्हट थाना क्षेत्र का है। अभी तक और कुछ लोग हैं जिनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमरजीत है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पर डूडा में आपको आवास मिला था, आवास में रह रहे थे, क्या हुआ उस मामले पर? बेटा डूडा के अधिकारियों क्या बताया जा रहा है? अधिकारी ने हमको पैसा की मांग किया कि पैसा दीजिए आपके नाम कर देंगे, जिसमें मैं 50 रुपया दिया, पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसको धमका कर चल गया, फर्जी कर दूंगा, रूम खाली कर दो, आगरा में से मेरे घर में ताला लगा के चल गया। ताला लगा के गए, उसके बाद परसों भी जो लाइट कटी, क्या है पूरा मामला? वो लाइन करते मीटर लगाया जाता है परियोजना अधिकारी द्वारा, और मीटर हम नहीं रहने तो मीटर भी उखाड़ लेके चल गया, उसके बिना हमको बताया हमारा सब सामान क्यों हुई। एक तरफ मौजूदा सरकार का नारा है भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई, उन कार्रवाई के नाम पर डूडा के अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि उनके अंदर झूठ का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बारे में कहना है कि मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच कराकर जो पात्र हो उसके नाम से मकान दिया जाए। जैसे कि अलर्ट हो चुका है, उसके बाद
फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरों के नाम इलाज किया जा रहा है। इसका कहना है कि सब अधिकारी के मिली भगत से 3-3 लाख रुपया की मांग की जा रही है, उसको फर्जी कागज बना के दिया जाता है, उसके पास कार्रवाई करते रहते हैं। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ तौर पर कहना है गरीबों को आवास मिले, आवास तो है मगर उस डूडा के अधिकारियों द्वारा किस तरीके से पलीता लगाया रहा, आखिरकार खबर चलने के बाद क्या होगा असर। कैमरा पर्सन दीपक राजपूत के साथ केपीपी के लिए लखनऊ से प्रशांत अवस्थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता प्रशांत अवस्थी जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जी प्रशांत जी बताइए क्या है पूरा मामला। वैशाली, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरा मामला है डूडा कॉलोनी से जुड़ा हुआ, जहां पर डूडा के अधिकारियों द्वारा घोर लापरवाही की जा रही और किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। यहां जब डूडा के अधिकारियों द्वारा फर्जी तरीके से नोटिस चस्पा की जाती है और जब वहां के स्थानीय लोग पूछते हैं कि सर किस लिए नोटिस चस्पा की जा रही है, मीटर क्यों खोला जा रहा है, तो डूडा के अधिकारी कहते हैं यहां पर कोई कागज आपके नहीं है। प्रशांत जी ये बताइए मौके पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है। मौके पर स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो डूडा के अधिकारी आते हैं उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को बुमराह करते हैं और हम लोग उसे मकान खाली करा लेते हैं। जब उसके बाद में लोगों ने कहा कि सर हम हमारे कागज देख लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कागज पूरे हैं और कुछ जो मेन जेई वहाँ के होते हैं डूडा के उनके द्वारा कहा जाता है कि फर्जी कागज हैं, इनका कोई का आवंटन यहाँ पर नहीं हुआ है। मतलब वहाँ पर जो लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। जी अधिकारियों द्वारा परेशान वैसा किया जा रहा है। अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है, कुछ लोगों ने वहाँ से बताया सूत्रों के माने तो लोगों का कहना है कि 2.5 से 3 लाख रुपए में वहाँ जो मकान खाली होते हैं उनको बेच दिया जाता है। प्रशांत जी आखिरकार इतने लोग डोडा को फर्जी अधिकारियों के निशाने बनाए गए हैं। काम वैशाली में कम से कम 10 से 15 लोग डूडा के अधिकारियों को निशाना बनाए जा चुके हैं और जिन लोगों का मकान खाली कराया जाता है उनका 3 लाख से 2.5 लाख में आवास बेचा भी जा रहा है। धन्यवाद प्रशांत अवस्थी जी तमाम जानकारी के लिए।